अनुराग भदौरिया, ये बात तो सच है ना कि आपके नेता की ओर से कहा गया था जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन बनाएंगे और फिर लोगों को लगाया जाएगा, तो ऐसे में तो एक बड़ी आबादी जो उनको फॉलो करती है। नहीं सर, वैक्सीन कोई बीजेपी के दफ्तर में तो बनता नहीं है या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में या समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, वैक्सीन तो साइंटिस्ट डॉक्टर्स और बड़ी टीम बनाती है ना एक्सपर्ट की, लेकिन उस पर विपक्षी दलों को जिस तरह से साथ आना चाहिए था। एक सेकेंड सर, दरअसल होता क्या है ना, आप लोगों से सवाल पूछ लो तो आप लोग तुरंत एंकर के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन भ्रम की राजनीति तो आपकी ओर से की गई है ना अनुराग भदौरिया। देखिए भ्रम की राजनीति किसको कहते हैं, और लोगों से अपील कीजिए कि जाके लोग वैक्सीनेशन की अगर बारी आए तो वो लगाएं। मुझे 40 सेकंड दीजिए, मुझे पूरी बात कर लो फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। हालत ये है पूरे देश के अंदर में कि शमशान घाट पे जगह नहीं है, जगह मिलती है तो लकड़ी नहीं है, और लकड़ी नहीं है इस वजह से लोग अपने शव को, अपने रिश्तेदार जो शव जो देखते हो उनको गंगा में ही बहा दे रहे हैं, जिसका हालत आपने नमूना देखा है। और यहाँ पे संबित पात्रा बैठ के बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बोला FIR कर देंगे। अरे अनुराग भदौरिया जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बंगाल जाइएगा। ममता बनर्जी को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, टीएमसी में जवाब देकर क्या करेंगे जब आएंगे तो? नहीं सर, आप पूरे विपक्षी का चेहरा बन के थोड़ी ना बैठे, वो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी अपनी बात रखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, जब्त कर लेंगे इस बात को क्यों नहीं माना जाए? नहीं सर, एमपी कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर लो और पहले से लगा दो, लगा दीजिए। और जहां तक वैक्सीन की बात है, भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन नहीं मंगा पाई, इसने प्लानिंग नहीं की, देश में आज वैक्सीन नहीं है, ये अपनी फेलियर को इसके उसके ऊपर डालना चाहते हैं। हमने लगवाया है, भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है आपने देखा, किस एक तरफ वैक्सीन लगवाई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वैक्सीन बीजेपी के हाथ में लगवाएंगे, 2022 की सरकार आएगी तब लगाइए प्लीज। भ्रष्टाचार ऐसा था, ठीक है बोलने तो दीजिए आप चित्रा जी, अगर आप ही बोलोगे तो आप बीजेपी की तरफ से आप ही बोलो। अरे पलट के कुछ सवाल भी तो पूछने दीजिए ना अनुराग भदौरिया। नहीं पूछ तो लिया आपने, आप पलट के पूछ रहे हो, आप चले जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास। मैं समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछ रहा हूं, आपको पार्टी के पक्ष की बात करनी है। नहीं मैं तो इनको आईना दिखा रहा था कि आप देख लो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। अरे आईना खुद देखिए आप क्या क्या बोल रहे बैठे ना सर, आप समाजवादी पार्टी की ओर से बोलिए ना प्लीज, जो आपसे सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। सवाल आपको जवाब दे रहा हूँ ना, ये बोल रहे हैं वैक्सीन, देखो सही बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग फेलियर हो गई, इन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सत्ता के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचते तो वैक्सीन का ऑर्डर देते, यहाँ पे वैक्सीन मंगाते हो तो देश को वैक्सीनेट कर देते, जो उन्होंने नहीं किया। हमने सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, जब आप लोगों की ओर से कह दिया गया कि नहीं लगवाया जाएगा, स्पष्ट था हमारे 2022 में तो टाइम है ना, सुन तो लीजिए, मैंने बोला था भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार आपके नेता ने, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप सुन तो रही हूँ सर, सुन तो रही हूँ, सुन तो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने भ्रम फैलाया उसी का नतीजा तो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी कम नहीं है सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी कम नहीं है। संबित से भी लड़ने दो ना, अरे संबित से लड़ने पहले वो उन्हीं से निजात पाले, देश पहले ऐसे भ्रष्टाचार लोगों से पहले देश को बचाने, उसका जवाब मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार सिस्टम जो होता है, इन्हें वैक्सीन लगाने जाओ तो कुत्ता काटे वाला इंजेक्शन लगा देते, इनका भ्रष्टाचार है। वैक्सीन को लेकर पूरे आसमान में चिपक रहे थे बनारस में, बताइए क्या लगा, वैक्सीन में कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन कौन लगा दिया आपको, कौन लगा रहा है कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन, क्यों झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, महिलाओं को लगा दिया, प्रभु आप भी बनता नहीं, आपको इंजेक्शन लगा दिया, बताइए टोपी चोरी करते करते इनका क्या हालत हो गया है, गलती से शामली में चले जाओ, क्या बोलते रहते हैं सर, बताइए मतलब लोग क्या क्या झूठी बातें कर रहे हैं कि लोगों को कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, नहीं तो अरे दो तीन लोगों को लगा वो गलत था, आप पूरे देश में बोल रहे हैं कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगाया जा रहा है वैक्सीन के नाम पे, इसलिए आपको नहीं मालूम, इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, घोटाले में भ्रष्टाचार किया कैसे आपने, पीपी क्या क्या बोलते रहते हैं ये चित्रा जी, ये तो बोल रहे हैं कि देश में कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कैसे लाशें तैर रही है, सोचिए आप, ये हिंदुस्तान में कभी सोचा था आपने कि नदी में लाशें तैरेंगी, किनारों पे लाशें लगी होंगी, शर्म करनी चाहिए आपकी जगह में, संबित आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कहा कि जिस सरकार में लाशें तैरने लगाया जाता है, जिस सरकार में शमशान में जगह कम पड़ जाए, लकड़ियां कम पड़ जाए जलाने के लिए, ऐसी सरकार मदद करिए ना, ये सरकार कम नहीं है, ये सब बोल रहे हैं, देश को बर्बाद नहीं कर रही तो क्या करिए, ये सरकार नॉनसेंस चिल्लाने से क्या हो जाएगा, लोगों को नदी में बहा दिया जाए और लाशें तैरने लगे, कभी आपने सोचा हिंदुस्तान के अंदर में गंगा में लाशें तैरेगी, गंगा को पवित्र करने गए थे, गंगा माँ को पवित्र करने की जगह आपने वहां पे हमारे देश के हमारे लोगों की लाशें तैर रही है उसके अंदर में,